ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। आप सभी से एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर आप सब कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, जो चीज़ें खराब हो रही है, जो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, तो आप इन तीन उपायों से अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव कई सारे जातकों ने अपने जीवन में किए हैं और ये प्रयास आप भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जान लो अपने जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव के लिए ये तीन प्रयोग, जिन प्रयोगों के अधिकतम 12 से 15 दिन में आपको परिणाम मिलेंगे। 12 से 15 दिनों में आपको इस उपाय को करने के बाद परिणाम ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, या उनके संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मक और बदलाव की ओर जाएगी। तो जानते हैं कि वो कौन से तीन उपाय हैं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे, और ये आपको पता भी हो तो आप उनका प्रयोग सही से नहीं कर रहे होंगे। उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखो, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सबसे पहले आप कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखो, और अगर ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप आइए, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। अब सबसे पहली बात है कि जो उपाय आपको करना है जिससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, कि काले कपड़े में कम से कम 100 ग्राम राई को बांधें। अगर 100 ग्राम अफोर्ड कर पाए तो ठीक है, कम तो कम भी। उस राई को बांधने के बाद अपने घर के प्रवेश द्वार पर बांध दे। उसे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन बांधे, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अमावस्या के दिन ही बांधे। अमावस्या के दिन उसे वहाँ पर बांधे और 7 दिन के बाद उसे निकाल ले और किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर दे। पहला उपाय, ये सिर्फ आपको एक ही बार करना है, अमावस्या को कर लो या पूर्णिमा को कर लो। दूसरा है कि गीता का एक पाठ का अध्याय रोज करना है। आप एक करें, दो करें, तीन करें, सातवां कर ले, ग्यारहवां कर, लेकिन रोज रेगुलर ये मिस नहीं होना चाहिए। सुबह या शाम एक टाइम ज़रूर गीता का पाठ आपको करना है। तीसरा है कि कम से कम 5 शनिवार पीपल के वृक्ष को सरसों के तेल का दीपक लगाए और वहीं पर बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप इन उपायों को रेगुलर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में बदलती, सकारात्मक होती दिखाई देगी। ओम नमः शिवाय।